आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव मंगलवार को रिम्स में इलाजरत लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने दिन में करीब 12:30 बजे पहुंचे। उनके आने की खबर प्रदेश पार्टी मुख्यालय को भी नहीं दी गई थी। भोला यादव जेल प्रशासन से विशेष अनुमति लेकर लालू प्रसाद यादव से मिलने रिम्स पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वो सिंबर पर लालू के हस्ताक्षर लेने के लिए गए थे। हस्ताक्षर लेने के बाद वो रिम्स से बिना किसी से बात किए निकल गए। उनके आने के पीछे कई अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी अब 14 सीटों से समझौता नहीं करने के मूड में है। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी चतरा से गठबंधन के दो दो उम्मीदवार मैदान में उतर आए थे, लेकिन दोनों की करारी हार हुई थी। इस बार भी पार्टी सीट बंटवारे को लेकर पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से राय शुमारी पहले से ही कर रही है। इधर प्रदेश पार्टी कार्यालय ने भोला यादव के रिम्स दौरे को लेकर पहले कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। उसके बाद बताया कि भोला यादव की ये मुलाकात एक औपचारिक मुलाकात थी। पार्टी प्रवक्ता अनीता यादव ने बताया कि भोला यादव ने किसी सिंबल पर लालू प्रसाद यादव का हस्ताक्षर नहीं लिया है। बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के हस्ताक्षर ना लेने को लेकर जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। झारखंड चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, ऐसे में पार्टी अभी भी सीट बंटवारे को लेकर पूरी तरीके से कंफ्यूज नज़र आ रही है। देखना है कि यहाँ की राजनीति में और क्या नया मोड़ देखने को मिलता है। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।